जायका बदलने के लिए रिवायती अंदाज बदलना पड़ता है, तो इसीलिए आज मैं बनाने जा रही हूँ ट्रायंगल चिकन रैप, जो बनाने में बहुत ही आसान होता है और खाने में बेहद मजेदार। सॉफ्ट टॉर्टिया रोटी, जूसी और टेंडी चिकन, चीज और वेजेस का कॉम्बिनेशन, यही वजह है कि इसके नेक्स्ट लेवल के टेस्ट को हर कोई पसंद करता है। तो चलिए आइए बनाते हैं ट्रायंगल चिकन रैप, और वो भी मेरे वर्जन और मेरे स्टाइल में। तो चलिए शुरू करते हैं। आधा किलो चिकन को इस तरह पेपर कटिंग कर लें। मैंने चिकन को इस तरह बारीक स्लाइसेस में काट लिया है। इसके लिए चिकन को फ्रीजर कर लें 1 या 2 घंटे के लिए, फिर इसकी कटिंग करें, तो आसानी से पेपर कटिंग हो जाती है। अब इसमें 2 छोटे चमचे नमक, 1 छोटा चमचा लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चमचा काली मिर्च का पाउडर, 1 छोटा चमचा अदरक का पेस्ट, 1 छोटा चमचा लहसुन का पेस्ट, 2 बड़े चमचे चिली सॉस, 1 छोटा चमचा हरी मिर्च का पेस्ट डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। अब एक पैन में 2 बड़े चमचे ऑयल के डालें, इसमें मैरिनेटेड चिकन डालें और चिकन को 5 मिनट के लिए फ्राई करें। चिकन की पेपर कटिंग इसीलिए करी है कि ये इतना बारीक कटा होता है कि चिकन को पकने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, तो ज्यादा से ज्यादा भी बस 5 मिनट में तैयार हो जाएगा। जब चिकन का कलर चेंज हो जाए तो पैन को कवर करके 5 मिनट के लिए हल्की आंच पर पकाएं। 5 मिनट बाद चिकन अच्छी तरह पक गया है। अब इसमें बारीक स्लाइसेस में कटी हुई शिमला मिर्च डालें, हल्का सा मिक्स करें। आप चिकन को इस तरह कुक करके फ्रीज कर लें, और जब भी रैप खाने का मूड हो तो बा आसानी बना सकते हैं। बस देखें, 10 मिनट में चिकन जबरदस्त सा तैयार हो गया है। अब इसे एक प्लेट में निकाल लें। सारी चीजें प्रिपेयर हो गई हैं। अब रैप तैयार करते हैं। इसके लिए एक टॉर्टिया रोटी ले लेंगे और इस पर नाइफ से हल्का सा निशान बनाएंगे। निशान बनाने से ये होगा, जब आप कट लगाएंगे तो कट बिल्कुल सेंटर में ही लगेगा, और इस तरह सेंटर पॉइंट से हाफ कट लगा लें। अब इसके एक साइड पर चिकन रखें। आप अपनी पसंद की कोई भी चीज इसमें शामिल कर सकते हैं। एक स्लाइस चीज रखेंगे, कुछ फ्राइज रखें, इसी तरह से खीरे के स्लाइसेस और टोमेटो स्लाइसेस रखें, और अब इसे फोल्ड करें। अब एक ग्रिल पैन में 1 छोटा चमचा ऑयल का डालें और इसमें रैप रखें। हल्के हल्के से प्रेस करें ताकि ग्रिल के इंप्रेशन रैप पर आ जाए। लो फ्लेम पर 1 मिनट के लिए ऐसे ही रखें। अब साइड को चेंज करते हैं। वाओ, बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया है। इसी तरह दूसरे साइड को भी 1 मिनट के लिए रखेंगे और हल्के हल्के प्रेस करेंगे ताकि उस पर भी इंप्रेशन आ जाए। चिकन रैप तैयार है, अब इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। वाओ, मजेदार। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी पसंद की रेसिपी बनाऊं, तो कमेंट सेक्शन में रेसिपी का नाम लिखें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर जरूर क्लिक करें, ताकि आपको हर दफा नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई रेसिपी रिलीज करूं।